जबलपुर के बिठूर में बने कृष्णा मेडिकल सेंटर, राजा नर्सिंग होम और बिठूर सिटी हॉस्पिटल बिना मानक के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। जबकि कृष्णा मेडिकल सेंटर, राजा नर्सिंग होम में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको बताते चले कि कृष्णा मेडिकल सेंटर में मरीजों की जांच स्वाति डायग्नोस्टिक्स के नाम से एक पैथोलॉजी भी खोल रखी है, जिसमें जांच के नाम पर साधारण मरीज को भयंकर बीमारी दिखा दी जाती है, जिसके बाद कृष्णा मेडिकल सेंटर मरीज को फर्जी बीमारी बताकर अपने अस्पताल में हफ्तों तक भर्ती रखते हैं और फर्जी की दवाइयां चलाकर उन मरीजों से लाखों रुपए की वसूली करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल कानपुर में नजर आया है, क्योंकि धड़ल्ले से तीन ऐसे अस्पताल हैं जो बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं। न सिर्फ तीन बल्कि कई ऐसे अस्पताल हैं जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है, वो संचालित हो रहे हैं, मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं लोगों को गंभीर बीमारियां बताकर उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करा लिया जाता है और इसके साथ ही उनसे लाखों रुपए की वसूली की जाती है गंभीर बीमारी का नाम दिखा के। बिठूर सिटी हॉस्पिटल के साथ ही कृष्णा मेडिकल सेंटर समेत तमाम कई ऐसे अस्पताल हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। वो धड़ल्ले से इन अस्पताल जो संचालित हो रहे हैं उस पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री और साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक लगातार सक्रिय हैं, अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके निर्देश जो लगातार दिए जाते हैं जिम्मेदार अधिकारी उस पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं, जिसकी पोल खोलती हुई ये खबर और ये तस्वीरें कानपुर से सामने आई है। आपके द्वारा जो सूचना मुझे प्राप्त हो रही है इसके संबंध में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें सक्रिय हैं, जहां भी इस तरह खबर मिलती है या तो कोई पब्लिक आदमी का शिकायत करता है तो भी वहां कार्रवाई होती है, और आपके द्वारा सूचना मिली है तो वहां पर कार्रवाई होगी, टीमें हमारी जाएंगी, और अगर ऐसी कोई चीज़ें चलती हुई पाई जाएंगी जो अनधिकृत रूप से चल रही हैं तो इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इसको सील करने से लेकर के FIR करने शामिल है। देखिए, साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी, आखिर कब तक उद्योग नगरी कानपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा और कब तक स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहेंगे और ऐसे अस्पताल लोगों से लाखों रुपए की वसूली करते रहेंगे, उनको दवाइयां खिलाते हुए उनकी जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। ये सवाल बड़ा है क्योंकि कानपुर में कई ऐसे अस्पताल हैं जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है और जो बिना मानकों के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जहां पर मरीज भी बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतों का दौर जारी है पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। आशीष कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, कानपुर में स्वास्थ्य विभाग एकदम बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि बिना मानकों के, बिना रजिस्ट्रेशन के जो अवैध अस्पताल है वो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। आखिर इन पर नकेल कब कस जाएगी, जिम्मेदार अधिकारी ऐसी शिकायतों पर क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, मैं बता दूं आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये काम में सैकड़ों की तादाद में बिना मानक के हॉस्पिटल चल रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहे हैं, और उन्हीं हॉस्पिटलों में जो मेडिकल स्टोर भी खोल रखे हैं वो भी बिना लाइसेंस भी चल रहे हैं। इससे कई बार जो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो CMO हैं, जो एडिशनल CMO हैं, उनसे शिकायत की गई है, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पर आपको बता दें कि बिठूर में कई ऐसे हॉस्पिटल है, जैसे बिठूर सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो नर्सिंग स्टाफ के नाम पर एक भी वहाँ पर नर्स नहीं है, एक भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं, और कई बार जो देखा गया है वहाँ पर जो मरीज जाते हैं उनका इलाज भी जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है उसके द्वारा किया जाता है। वहीं पे आप बात करते हैं कि दूसरा एक हॉस्पिटल है कृष्णा मेडिकल केयर करके, उस हॉस्पिटल में जो यहाँ पर जाँचें होती हैं वो जाँच की जो टॉप वो भी उसी हॉस्पिटल के द्वारा खोल लिया है, और वहाँ पर जो जाँच कराई जाती है तो इलाज जाँच कराते हैं कि मरीज को जो नॉर्मल मरीज होता है उसके भी बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी दिखा करके उसका महीनों अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उससे लाखों रुपए की वसूली भी की जाती है। जी, लेकिन देखिए आशीष, अगर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो फिर आखिर जो CMO है, जो CMS है, वो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह बताई गई इतने बड़े लापरवाही की? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो स्थानीय CMO एडिशनल CMO है तो उनको कहीं ना कहीं इन हॉस्पिटलों से जाहिर कोई मोटी रकम का हिस्सा भी पहुंचता होगा। यही कारण है कि अभी तक ये जो भी जिम्मेदार अधिकारी है ऐसे हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं,
यहाँ की आपको बता रहे थे जो सिक्कों की खनक कही जाती है, सिक्कों की खनक ऐसी इन अधिकारियों के जो सीएमओ एडिशनल सीएमओ है इनके कानों में सिक्के की खनक इतनी गूंज गई है कि उनको किसी भी मरीज की कोई भी समस्याएं कोई भी परेशानी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती है। जी देखिए आशीष, जब आपने सीएमओ से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तो उनकी तरफ से क्या बयान दिए गए या फिर वो आपके कैमरे से भागते हुए नजर आए? देखिए जब मैंने सीएमओ से इस बारे में जानकारी की और उनसे जब बताया कि मैंने यहाँ पर जो है कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जैसे कृष्णा मेडिकल केयर है और बिठूर सिटी हॉस्पिटल है, राजा नर्सिंग होम है, तो इन हॉस्पिटलों में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आया, बिना मानक के ये हॉस्पिटल धकाड़े से चल रहे हैं, यहाँ पर कई मरीजों का इलाज हो रहा है, यहाँ तक कि डेंगू के मरीजों का भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और इसके लिए मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने साफ बता दिया कि इसके लिए आप लिखा पढ़ी में शिकायत करें, जबकि मैंने कहा कि इस पर मेरे चैनल से खबरें भी चल रही हैं उस पर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब भी उनका सीएमओ का यही कहना था, आलोक रंजन का यही कहना था कि आप लिखित में उसकी शिकायत दीजिए। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कानपुर के सीएमओ है और एडिशनल सीएमओ है इनकी मिली भगत है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर अधिकारी खबर चलने के बावजूद भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप लिखित में एक्शन दीजिए, तो वाकई वहां के मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी सुनवाई करने वाला वहां कोई नहीं है। धन्यवाद आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।